नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। पढ़े लिखे युवा हो या नौकरी पेशा, हर किसी में राजनीति का क्रेज है। हरियाणा में इस विधानसभा चुनाव में खिलाड़ी से लेकर विदेश में नौकरी करने वाले तक चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में दिग्गज खिलाड़ियों से लेकर लेक्चरर, विदेश में नौकरी करने वाले और टीवी स्टार तक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसे राजनीति का क्रेज ही कहिए कि 1 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़कर नौशम चौधरी हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाके में से एक पुनहाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। नौशम का कहना है कि वो विदेश से अपने जिले के विकास के लिए भारत लौटी हैं। नौशम को बीजेपी ने पुनहाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। मिरांडा हाउस कॉलेज में छात्र संघ नेता रही नौशम चौधरी ने अगस्त में ही बीजेपी की सदस्यता ली थी। वो राजनीति में आकर अपने जिले का विकास करना चाहती हैं। नौशम की माँ IAS ऑफिसर हैं और पिता जज हैं। हरियाणा चुनाव में पुनहाना सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली 28 साल की नौशम की चर्चा आज हर कोई कर रहा है। पुनहाना सीट से चुनाव लड़ने वाली नौशम कहती हैं कि वो लंदन में एक कंपनी ज्वाइन करने वाली थी और उनको पब्लिक रिलेशन की 1 करोड़ की सैलरी वाली जॉब का ऑफर मिला था, लेकिन जब वो अगस्त में अपने गांव लौटी तो उन्हें लगा कि यहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। नौशम के मुताबिक उन्हें लगा कि विदेश में वो आराम की जिंदगी बिता रही हैं और गाँव के लोग यहाँ सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और बीजेपी का दामन थाम लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।